आगे बढ़ते हुए बात अब हरियाणा के चुनावी अखाड़े की कर लेते हैं, क्योंकि 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होगा, यानी अब सिर्फ प्रचार के लिए 4 दिनों का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दलों की प्रचार पथ पर रफ्तार बढ़ी हुई है और आरोपों की शक्ल पर एक दूसरे पर आरोपों की बौछार भी। एक रिपोर्ट देखिए। अरे हरियाणा वालों, कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, गेहूं और धान के अलावे एक भी फसल खरीदते थी क्या कांग्रेस? जरा जोर से बोलो तो भाई, खरीदती थी? हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो जमीनों के घोटाले होते थे कि नहीं होते थे? आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, सबसे पहले आपकी 24 घंटे बिजली कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा। श्री राम। हरियाणा के चुनावी कुरुक्षेत्र में दिग्गजों का दंगल शबाब पर पहुंच चुका है। विधायक बना दो, यादव साहब को बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा, भरोसा रखिएगा भाई। सभी पार्टियों के दिग्गजों ने चुनाव मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के रण क्षेत्र से कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि 10 साल पहले हरियाणा में खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी नहीं मिलती थी, सिर्फ एक जाति का विकास होता था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने 2 लाख नौजवानों को नौकरी दी और 36 बिरादरी का काम किया। 5 लाख युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने का काम होगा। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर पिछड़े समाज से अन्याय करने का आरोप लगाते हुए पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। काका साहेब कालेरकर कमीशन का रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुआ, पिछड़ों का रिजर्वेशन कांग्रेस ने दबाया, मंडल कमीशन का रिपोर्ट इंदिरा गांधी ने दबाया। राहुल गांधी को चुनौती देते हुए अमित शाह ने वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा उठाया और राम मंदिर के मुद्दे पर भी जमकर निशाना साधा। और राहुल बाबा, आपको जो करना है वो कर दो, भाजपा का एक भी सांसद संसद में है तब तक आप आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकते। अमित शाह ने गुरुग्राम से करनाल तक ताबड़तोड़ रैली कर कांग्रेस को घेरा तो रोहतक पहुंचे जेपी नड्डा ने कलानौर में कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए जल जमीन और आसमान तीनों लोकों में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। नड्डा ने कांग्रेस को कुशासन करप्शन और अपराधीकरण का प्रतीक बता दिया। हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो जमीनों के घोटाले होते थे कि नहीं होते थे? जरा जोर से बोलो, होते थे कि नहीं होते थे? बड़े बड़े धन्ना सेठ गरीब किसान की भूमि को हड़पते थे कि नहीं हड़पते थे? बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज हरियाणा में थे और सबने एक सुर में कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। पंचकुला पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी पर बंटवारे वाला वार किया और हुड्डा परिवार पर भी जमकर निशाना साधा। के दिल्ली में प्रयास किया था माँ बेटा का सरकार बने, नहीं हुआ। यहाँ में प्रयास है बाप बेटा का सरकार बनाना, मेरा लगता है वो भी नहीं हुआ। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी कांग्रेस पर हमलावर रहे। कुरुक्षेत्र की रैली में सैनी ने कांग्रेस और हुड्डा परिवार पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पाप का पर्दाफाश 5 अक्टूबर को होगा। लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों के सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे, आप लोगों के सम्मान। बीजेपी के वार पर कांग्रेस की ओर से भी जमकर पलटवार हुए। कुमारी सैलजा से लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा तक ने दावा किया कि हरियाणा की जनता बीजेपी सरकार से परेशान है और चुनाव बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार तय है। राहुल गांधी जी के साथ किया था, राहुल गांधी जी का घर छीना, सब कुछ किया। आपने देखा भाजपा कैसे काम करती है कांग्रेस के लोगों के खिलाफ, इन्होंने कैसे किया, प्रदीप जी के साथ किया, लेकिन इन्होंने लड़ाई नहीं और हिम्मत नहीं हारी, दोबारा बने, वापस हासिल किया और अब इस वक्त लोगों के दरबार में सब खड़े हैं, प्रदीप जी के लिए वोट मांग रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग पहले से भी ज्यादा इनका साथ देंगे और ये भारी बहुमत से कालका से हम जीत करेंगे।
हमारे भाई वीरेंद्र को यहाँ से जिताना है और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को लाना है। और हरियाणा में एक और नारा चल गया है, 5 तारीख बीजेपी फारिग। उधर आम आदमी पार्टी की ओर से हरियाणा में मोर्चा संभाल रहे अरविंद केजरीवाल ने बादशाहपुर में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर आपकी सरकार बनी तो जनता को मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज समेत 5 पक्की गारंटी मिलेंगी। सर, मैं जहां पूरे हरियाणा में घूम रहा हूं, इतना प्यार मिल रहा है, इतना लोगों का समर्थन मिल रहा है, अगर ये मेरे को 3 महीने पहले छोड़ देते जेल से, पक्का कह रहा हूं हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती। लेकिन आज भी इतनी गारंटी देके जा रहा हूं, जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की इतनी सीट आ रही है कि हमारे समर्थन के बिना कोई सरकार हरियाणा के अंदर नहीं बनेगी। हालांकि प्रचार युद्ध के बीच सभी पार्टियों में बागी प्रत्याशियों का सरदर्द भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने हरियाणा में पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 8 बीजेपी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए फरीदाबाद सीट से प्रत्याशी प्रवेश मेहता शनिवार को ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।